मॉर्निंग, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज का जो अपना टॉपिक है वो क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम। और डाइजेस्टिव सिस्टम में अपन क्या पढ़ेंगे, फेजेज ऑफ सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। तो जो गैस्ट्रिक जूस है वो कितनी फेजेज के अंदर क्या है, सिक्रेट होता है। तो गैस्ट्रिक जूस है वो कौन सी फेज में कंप्लीट होता है, इसके लिए अपन लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो जो गैस्ट्रिक जूस है अपना वो तीन फेजेस के अंदर क्या है, सीक्रेट होता है। सबसे पहले कौन सी फेज आती है, सिफेलिक फेज आती है, देन आफ्टर क्या है, गैस्ट्रिक फेज आती है, देन आफ्टर क्या है, इंटेस्टिनल फेज आती है। ये क्या है, अपनी तीन फेज होती है। न्यू टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अपन एक बार क्या है, जो प्रीवियस लेक्चर है उसको समराइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा था, उसमें गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या पढ़ा था, गैस्ट्रिक जूस बनता किससे है, फंक्शन क्या क्या है, और सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। इन चीज़ों पे अपन ने क्या है डिस्कस किया था, तो इनको एक बार अपन फिर से समराइज कर लेते हैं। लास्ट लेक्चर में अपन ने क्या है जो पढ़ा था वो क्या था, गैस्ट्रिक जूस कैसे बनता है, इसके कंटेंट कौन से हैं, इन चीज़ों के बारे में अपन ने क्या है डिस्कस किया था। तो जो गैस्ट्रिक स्टमक जो है, स्टमक की क्या है, स्टमक साइज वेरियस विद द वॉल्यूम ऑफ फूड। स्टमक क्या है, जो जैसे जैसे अपन फूड का इंटेक करते हैं वैसे वैसे क्या है उसकी साइज बढ़ जाती है। इसमें क्या होता है, इसके अंदर फोल्ड होते हैं, जैसे अपना स्टमक खाली हो जाता है तो क्या है वो फोल्ड हो जाता है, और जैसे अपने क्या है कंटेंट फुल हो जाते हैं तो वो फोल्ड जो है वो क्या है ओपन हो जाते हैं। इट कंटेंट विच मे बी 1.5 लीटर और मोर इन एडल्ट। अप्रोक्सीमेट क्या है, 1.5 लीटर जो है फूड का क्या है अपन स्टोरेज कर सकते हैं, लगभग जो है अपन 1.5 लीटर जो फ्लूड है उसको अपन अपने स्टमक के अंदर रख सकते हैं। When a meal has been eaten, the food accumulation in the stomach in the layer, the last part of a meal remaining in the fundus for some time. जब क्या है अपन, when a meal has been eaten the food, जब अपन ने क्या है food का intake कर लिया, ठीक है, accumulation in the stomach in the layer, वो क्या होगा, जो अपने stomach की layer उसके अंदर क्या है accumulate हो जाएगा, the last part of the meal remaining in the fundus for some time. जो लास्ट पार्ट है किसका, मील का, अपन ने जो इंटेक किया वो कहाँ पे रह जाता है, इन द फंडस फॉर सम टाइम, कुछ टाइम के लिए क्या है वो फंडस के अंदर रह जाता है। मिक्सिंग विद द गैस्ट्रिक जूस टेक प्लेस ग्रेजुअली एंड इट मे बी सम टाइम बिफोर द फूड इज सफिशियंटली एसिफाइड टू स्टॉप द एक्शन ऑफ सलाइवरी एमाइलेज। मिक्सिंग विद द गैस्ट्रिक जूस, मिक्सिंग मिक्स क्या होगा, गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स होगा, टेक प्लेस ग्रेजुअली एंड इट मे बी सम टाइम बिफोर द फूड इज सफिशियंटली एसिफाइड, क्या है कुछ कई बार क्या है एसिफाइड होता है, टू स्टॉप द एक्शन ऑफ सलाइवरी एमाइलेज, और क्या होगा जो एक्शन है सलाइवरी एमाइलेज की वो क्या है स्टॉप कर देगा।
गैस्ट्रिक मसल्स कॉन्स्टिट्यूट कंसिस्ट ऑफ ए चर्निंग मोमेंट, क्या है गैस्ट्रिक मसल्स, क्या है कॉन्ट्रेक्शन करती है और क्या बनाती है, चर्निंग मोमेंट्स बनाती है। दैट ब्रेक डाउन द बोलस एंड मिक्सिंग इट विद गैस्ट्रिक जूस, और क्या होगा ये ब्रेक डाउन होगा, बोलस होगा और किसके अंदर मिक्स हो जाएगा, गैस्ट्रिक जूस के साथ क्या है मिक्स हो जाएगा। एंड पेरिस्टाल्टिक वेव दैट प्रपोल द स्टोमक कंस्ट्रेट टूवर्ड द पारल्स, क्या होगा यहाँ पे उसके बाद जो अपनी पेरिस्टाल्टिक जो मूवमेंट है वो क्या है जनरेट होंगे। व्हेन द स्टमक इज एक्टिवेटेड द पैरेलिक स्पिंचर इज क्लोज, जिस टाइम पे क्या है अपना स्टोमक एक्टिव रहता है उस टाइम पे क्या है पैरेलिक स्पिंचर क्लोज हो जाते हैं। स्ट्रॉन्ग पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द पैरेलिक एंट्रियम फोर्स गैस्ट्रिक कंस्ट्रेंट आफ्टर दैट दे आर सफिशियंटली लिक्विफाइड थ्रू द पायल्स इन द ड्यूडेनम इन स्मॉल स्पॉट्स। स्ट्रॉन्ग पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द पैरेलिक एंट्रियम फोर्स, कहाँ फोर्स करेगा गैस्ट्रिक कंटेंट आफ्टर उसके बाद क्या होगा दे आर सफिशियंटली लिक्विफाइड, क्या है वो सफिशियंटली लिक्विफाइड होते हैं थ्रू द पायरल्स इन द ड्यूडेनम इन स्मॉल स्पॉट, उस क्या होगा पायरल एट्रियम के थ्रू क्या ड्यूडेनम के अंदर चले जाएंगे। देन आफ्टर अपना कहता है गैस्ट्रिक जूस, अबाउट 2 लीटर ऑफ गैस्ट्रिक जूस आर सिक्रेटेड डेली बाय स्पेशल सिक्रेटरी सेल इन द म्यूकोसा पर डे, क्या है अपनी जो 2 लीटर है वो क्या है गैस्ट्रिक जूस का क्या होता है सिक्रेशन होता है। कौन सिक्रेट करता है जो अपनी स्पेशल सेक्रेटरी सेल्स जो है वो क्या करती है सिक्रेशन को सिक्रेट करती है डेली, इसके अंदर म्यूकोसा के अंदर। That break down the bolus and gastric juice क्या है कितना होता है per day 2 लीटर क्या है secrete होता है किसके अंदर अपना gastric glands जो है वो क्या करती है per day secrete करती है। Then after क्या है gastric juice किससे बनता है water होता है, water कहाँ से secrete होता है secrete by गैस्ट्रिक ग्लैंड, जो अपनी गैस्ट्रिक ग्लैंड है वो क्या करती है वाटर को सिक्रेट करती है। मिनरल साल्ट है, मिनरल साल्ट कहाँ से सिक्रेट होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड से सिक्रेट होता है। म्यूकस कहाँ से सिक्रेट होता है जो ग्लोबेटल सेल्स होती हैं अपनी वो क्या करती है म्यूकस सिक्रेट करती हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहाँ से सिक्रेट होता है पैराइटल सेल इन द गैस्ट्रिक ग्लैंड, जो अपनी पैराइटल सेल है किसकी गैस्ट्रिक ग्लैंड की वहाँ से क्या है वो अपना हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो सिक्रेट होता है। इंट्रेंसिक फैक्टर है वो कहाँ से सिक्रेट होता है सिक्रेट बाय पैराइटल सेल इन द गैस्ट्रिक ग्लैंड। देन आफ्टर अपना था इनएक्टिव एंजाइम, इनएक्टिव एंजाइम का कौन सा अपना पेप्सिनोजन है कौन सिक्रेट करता है चीफ सेल इन द ग्लैंड, ये क्या करती है अपने पेप्सिनोजन को सिक्रेट करती है। देन आफ्टर अपनाता है फंक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, जो वाटर है वो क्या करता है वाटर फर्दर लिक्विफाइड द फूड, वाटर क्या करेगा उसको लिक्विड में कन्वर्ट करेगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करेगा एसिडिफाई द फूड एंड स्टॉप द एक्शन ऑफ सलाइवरी एमाइलेज, क्या करेगा उसको एसिडिफाई करेगा और क्या करेगा जो अपनी सलाइवरी एमाइलेज है उसकी क्या है एक्शन को स्टॉप करेगा। माइक्रोब्स जो है उनको किल करेगा,
प्रोवाइड द एसिड इन्वायरमेंट नीडेड फॉर द इफेक्टिव डाइजेशन बाय पेप्सिन। पेप्सिन के द्वारा क्या करेगा, जो अपना इन्वायरमेंट है उसको क्या करेगा, एसिडिफाई करेगा, जो क्या है अपने डाइजेशन के अंदर क्या है, इफेक्टिव है, यानी कि हेल्पफुल होता है। देन आफ्टर अपना क्या आता है, पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन क्या है, दे आर एक्टिवेटेड टू पेप्सिन बाई हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड द पेप्सिन ऑलरेडी प्रेजेंट इन द स्टमक। पेप्सिनोजन किसके द्वारा एक्टिवेटेड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के द्वारा क्या है, एक्टिवेटेड एक्टिवेट होता है एंड बाई पेप्सिन आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन द स्टमक। जो पेप्सिन है अपना कहाँ प्रेजेंट रहता है, ऑलरेडी अपना स्टमक के अंदर क्या है, प्रेजेंट रहता है। दे बिगिन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, ब्रेक डाउन देम इन स्मॉलर मॉलिक्यूल। पेप्सिन एक्ट मोस्ट इफेक्टिवली एट पीएच 1.5 to 3.5। ये क्या है, दे बिगिन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का डाइजेशन करता है, ब्रेक डाउन देम इन टू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, छोटे छोटे टुकड़ों में डायलूट उसको डिवाइड कर देगा। पेप्सिन एक्ट मोस्ट इफेक्टिवली एट पीएच 1.5 to 3.5। जो इफेक्टिव पीएच है वो कितना होता है, 1.5 to 3.5 जो है क्या है, इफेक्टिव पीएच होता है इसका। इंट्रेंसिक फैक्टर क्या है, इट नेसेसरी फॉर द अब्सॉर्प्शन ऑफ विटामिन बी12 फॉर द इलियम। इंट्रेंसिक फैक्टर क्या करता है, प्रोटीन होता है जो क्या करता है अपने नेसेसरी किसमें, अब्सॉर्प्शन ऑफ द विटामिन बी12। विटामिन बी12 के अब्सॉर्प्शन के अंदर क्या है, ये हेल्पफुल होता है। म्यूकस प्रिवेंट मैकेनिकल इंजरी टू द स्टमक। म्यूकस क्या करता है, मैकेनिकल इंजरी से प्रिवेंट करता है, कहाँ पे, टू द स्टमक, बाय लुब्रिकेटिंग द कंटेंट। लुब्रिकेंट को क्या करेगा, वहाँ पे लुब्रिकेंट कर देगा उसको। इट प्रिवेंट केमिकल इंजरी बाय द एक्शन ऑफ बैरियर बिटवीन द स्टोमक वॉल एंड गैस्ट्रिक जूस। क्या करेगा, केमिकल इंजरी से क्या प्रिवेंट करेगा, किस किस के बीच में, जो अपना स्टमक की वॉल है और जो अपना गैस्ट्रिक जूस है उनके बीच में अगर कोई केमिकल इंजरी होती है तो उससे क्या अपने को म्यूकस प्रिवेंट करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज प्रेजेंट इन पोटेंशियली डैमेज कंसंट्रेशन एंड पेप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन। क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज प्रेजेंट इन पोटेंशियली, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, प्रेजेंट होता है पोटेंशियली, डैमेज कंसंट्रेशन एंड पेप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन। पेप्सिन क्या करती है, यहाँ पे जो अपनी प्रोटीन है उसको क्या करेगी, डाइजेस्ट कर लेगी। देन आफ्टर अपना नेक्स्ट पॉइंट आता है सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। दे आर ऑलवेज ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ गैस्ट्रिक जूस प्रिवेंट इन स्टमक इवन इट कंटेंट नो फूड। दिस इज नोन एज ए फास्टिंग जूस। सिक्रेशन रीच इट मैक्सिमम लेवल अबाउट 1 hour आफ्टर ए मील, देन डिक्लाइन टू फास्टिंग लेवल आफ्टर अबाउट 4 hour। जो फास्टिंग जूस है गैस्ट्रिक जूस को अपन क्या बोलते हैं, फास्टिंग जूस भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है, जब अपन फूड इनटेक करते हैं उसके 1 hour बाद क्या है, मैक्सिमम लेवल के अंदर क्या है, सीक्रेट होता है। और फास्टिंग अगर लेवल में अपन है तो ये क्या है, अपने 4 hours बाद क्या है, सीक्रेट होगा। देन आफ्टर अपना क्या है पॉइंट है, फेजेज ऑफ सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस कितनी फेजेज के अंदर कंप्लीट होता है, 3 phases के अंदर क्या है गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन होता है। सिफेलिक फेज होती है, गैस्ट्रिक फेज होती है और इंटेस्टाइनल फेज होती है। ये 3 क्या है फेज होती हैं जो क्या है अपने गैस्ट्रिक जूस को सिक्रेट करने में हेल्पफुल होती हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है अपना, सिफेलिक फेज। दिस फॉलो ऑफ जूस अकर बिफोर फूड रीच द स्टोमक एंड इज ड्यू टू reflex stimulation of the vagus nerve by the sight, smell or taste of the food। क्या होगा,
This flow of जूस अकर बिफोर फूड रीच द स्टमक, क्या होगा जैसे ही फूड क्या है स्टमक के अंदर पहुंचेगा, एंड इज ड्यू टू रिफ्लेक्स स्टिमुलेशन, और क्या होगा रिफ्लेक्स स्टिमुलेशन होगा किसका वेगस नर्व का, ठीक है, कैसे होगा साइट स्मेल टेस्ट, ठीक है, इनसे क्या है जो अपना जो है वो क्या होगा वेगस नर्व क्या करेगी रिफ्लेक्स स्टिमुलेट करेगी, कैसे स्मेल से टेस्ट से, ठीक है, इनसे क्या है वो स्टिमुलेट करेगी किसको वेगस नर्व करेगी किसको अपनी सिफिलिक फेज में। When the vagus nerve has been cut, this phase is gastric secretion stop. अगर जब अपनी जो है vagus nerve क्या है कट हो जाएगी तो क्या होगा गैस्ट्रिक का सिक्रेशन है वो स्टॉप हो जाएगा, यानी कि सिफेलिक फेज के अंदर गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन कैसे होता है, सबसे पहली जो फेज है अपनी क्या है सिफेलिक फेज है, सिफेलिक फेज के अंदर क्या है जैसे ही अपने स्टमक के अंदर क्या है फूड के कंटेंट जाएंगे, और फूड के कंटेंट जाते ही क्या होगा वहां पे जो अपनी वेगस नर्व जो है वो क्या होगी रिफ्लेक्स स्टिमुलेट करेगी, कैसे करेगी स्मेल से टेस्ट से क्या करेगी वो स्टिमुलेशन करेगी, और क्या होगा अपना सिक्रेशन होगा, ठीक है, और जैसे ही यानी कि जो वेगस नर्व है वो कट हो जाएगी, ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं वेगोटोमी जो बोलते हैं, अगर वेगोटोमी की कंडीशन हो गई तो अपना जो गैस्ट्रिक जूस है उसका सिक्रेशन क्या है स्टॉप हो जाएगा। देन आफ्टर क्या अपनी गैस्ट्रिक फेज आती है, गैस्ट्रिक फेज के अंदर क्या है व्हेन स्टिमुलेटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ फूड द इंटर एंडोक्राइन सेल इन द पाइरोलिक एट्रियम एंड ड्यूडिनम सीक्रेट गैस्ट्रिन ए हॉर्मोन विच पास डायरेक्टली इन द सर्कुलेटिंग ब्लड, क्या होगा व्हेन स्टिमुलेट बाय द प्रेजेंस ऑफ फूड, क्या होगा स्टिमुलेट हुआ और बाय द प्रेजेंस ऑफ फूड, फूड के प्रेजेंस के अंदर क्या स्टिमुलेट हो रहा है और कहाँ जा रही है अपना क्या होगा एंडोक्राइन जो सेल है उसके अंदर क्या है एंटर हो गए, और वहां पे क्या पैरेलिक एट्रियम है, पैरेलिक एट्रियम क्या करेगा सिक्रेट करेगा किसको गैस्ट्रिन को, गैस्ट्रिन हॉर्मोन क्या है डायरेक्टली क्या है अपने ब्लड के अंदर सर्कुलेट होगा, यानी कि जब फूड की प्रेजेंस के अंदर एंडोक्राइन सेल्स जो है वो क्या करेंगी पैरेलिक एट्रियम के अंदर प्रेजेंट रहती हैं, और क्या करेंगे ड्यूडिनम जब गैस्ट्रिन सिक्रेट करेगा, सिक्रेट करने के बाद जो गैस्ट्रिन हार्मोन है वो क्या होगा डायरेक्टली अपने जो ब्लड है सर्कुलेशन है उसके अंदर क्या है डायरेक्टली पास होगा। गैस्ट्रिन सर्कुलेटिंग इन द ब्लड विद सप्लाई द स्टमक स्टिमुलेट द गैस्ट्रिक ग्लैंड टू प्रोड्यूस मोर गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिन क्या करेगा सर्कुलेटिंग इन ब्लड अपनी जो ब्लड है उसके अंदर क्या है सर्कुलेट करेगा विद सप्लाई द स्टमक, और क्या होगा स्टमक को सप्लाई करेगा स्टिमुलेट द गैस्ट्रिक ग्लैंड, जब अपनी गैस्ट्रिक ग्लैंड स्टिमुलेट होगी वो क्या करेगी प्रोड्यूस मोर गैस्ट्रिक जूस, जैसे अपनी गैस्ट्रिक ग्लैंड है वो क्या होगी स्टिमुलेट होगी तो वहां पे क्या है गैस्ट्रिक जूस का और सिक्रेशन बढ़ जाएगा यानी कि प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। इन दिस वे द सिक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस इज कंटिन्यू आफ्टर द कंप्लीटेशन ऑफ मील एंड द एंड ऑफ सिफिलिक फेज, क्या होगा इन दिस वे द सिक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस इज कंटिन्यू, इस फेज के अंदर क्या है जो अपना डाइजेस्टिव जूस है वो क्या है कंटिन्यू रहता है आफ्टर द कंप्लीटेशन ऑफ मील, यानी कि अपन ने फूड इंटेक करने के बाद भी क्या है वो
कंटिन्यू रहता है एंड ऑफ सिफिलिक फेज, जब तक सिफिलिक फेज के अंदर एंड नहीं हो जाता। गैस्ट्रिन सिक्रेशन इज सप्रेस व्हेन द पीएच इज पैरेलिक एट्रियम फॉल द अबाउट 1.5, यानी कि जब अपनी जो पैर जो अपना पैरेलिक एट्रियम जो है उसका जो पीएच है वो क्या होगा, फॉल हो जाएगा। कहाँ, कब? 1.5 से, तब क्या है जो अपना सिक्रेशन है वो सप्रेस हो जाएगा। देन आफ्टर क्या है अपनी थर्ड जो फेज है इसके अंदर क्या है, व्हेन द पैलेटल डाइजेशन कंटेंट ऑफ द स्टोमक रिच द स्मॉल इंटेस्टाइन, जब क्या होगा डाइजेस्ट जो कंटेंट है वो कहां जाएंगे, रिच द स्मॉल इंटेस्टाइन, ए हॉर्मोन कॉम्प्लेक्स एंट्रोगेस्टिन इज प्रोड्यूस बाय द एंडोक्राइन सेल। जो अपना एंड्रोगेस्टिन जो हॉर्मोन है वो क्या होगा सिक्रेट करेगा, कौन सिक्रेट करेगा, जो अपनी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो क्या करेंगी सिक्रेट करेंगे, इन द इंटेस्टिनल म्यूकोसा, जो अपने इंटेस्टिनल म्यूकोसा है उसके अंदर क्या है वो सिक्रेट करेंगे, विच शो डाउन द सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस एंड रिड्यूस गैस्ट्रिक मोटिलिटी, वो क्या करेंगी शो डाउन द गैस्ट्रिक सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस एंड रिड्यूस गैस्ट्रिक मोटिलिटी, और क्या होगा यहाँ पे अपनी जो गैस्ट्रिक मोटिलिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी। दो हार्मोन कौन से हैं, टू ऑफ द हार्मोन्स फॉर्मिंग इन द कॉम्प्लेक्स, ये जो कॉम्प्लेक्स है इसके अंदर क्या है दो हार्मोन्स बनते कौन से सेरेटिन एंड सीसीके, ये दो हार्मोन्स होते हैं ठीक है, ये क्या करते हैं कॉम्प्लेक्स बनाते हैं ठीक है। जब अपन ने फर्स्ट लाइन में क्या है, व्हेन द पैरेटल डाइजेशन कंसिस्ट ऑफ ए स्टोमक रिच द स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि जो कंटेंट अपने थे वो क्या है कब कहाँ पहुंचेंगे स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पहुंच गए। जो हार्मोन कॉम्प्लेक्स है, हार्मोन कॉम्प्लेक्स कौन सा है सीसीके और सेरेटिन जो है वो क्या करेगा एंटीरोगेस्टिन प्रोड्यूस होगा, कौन करेगा एंडोक्राइन सेल्स है वो क्या करेंगी प्रोड्यूस करेगी, कहाँ पे जो अपने इंटेस्टिनल म्यूकोसा है वहां पे सिक्रेट करेंगे, और वो क्या करेगा जो अपनी गैस्ट्रिक मोटिलिटी है उसको रिड्यूस कर देगा। ये क्या है अपनी सिफिलिक फेज है, ये अपनी गैस्ट्रिक फेज है और ये अपनी इंटेस्टाइनल फेज है। इसके अंदर क्या है फूड जो है सिफिलिक फेज के अंदर क्या हुआ वेगस नर्व है वो क्या कर रही है साइट स्मेल टेस्ट के थ्रू क्या है जो सिक्रेशन कर रही है किसका हार्मोन का। फर्स्ट क्या है सिफिलिक फेज है, सिफिलिक के अंदर क्या होगा जैसे ही फूड आएगा साइट स्मेल टेस्ट के थ्रू क्या है वो सिक्रेशन होगा ठीक है, और जैसे ही वेगोटोमी हो जाएगी जो वेगस नर्व है ये कट हो जाएगी तो क्या है जो यहाँ का जो सिक्रेशन है वो स्टॉप हो जाएगा। देन आफ्टर क्या है अपनी गैस्ट्रिक फेज है, गैस्ट्रिक फेज के अंदर क्या है ब्लड ब्लड के अंदर जो है वो सर्कुलेट होता है ठीक है, गैस्ट्रिन है ब्लड के अंदर क्या है सर्कुलेट होगा ठीक है, थर्ड क्या है इंटेस्टिनल सेरेटिन और सीसी के हार्मोन्स क्या है दोनों के दोनों सिक्रेट होंगे कॉम्प्लेक्स बनाएंगे और वही क्या करेंगे यहाँ पे सिक्रेशन करेंगे।
देन आफ्टर अपना क्या था फंक्शन ऑफ द स्टमक, फंक्शन कौन से स्टमक के, टेम्परेरी स्टोरेज अलोइंग द टाइम ऑफ द डाइजेस्टिव एंजाइम पेप्सिन टू एक्ट, यानी क्या है टेम्परेरी स्टोरेज करता है कौन अपना स्टमक करता है, केमिकल डाइजेशन पेप्सिन कन्वर्ट प्रोटीन टू पॉलीपेप्टाइड्स, पेप्सिन है वो क्या है कन्वर्ट होता है प्रोटीन से पॉलीपेप्टाइड्स के अंदर क्या है अपने केमिकल डाइजेशन के अंदर क्या है कन्वर्ट होते हैं। मैकेनिकल ब्रेकडाउन, मैकेनिकल ब्रेकडाउन में क्या है द थ्री स्मूथ लेयर आर एनेबल टू स्टोमक टू एक्ट एज ए चर्न, गैस्ट्रिक जूस इज एडेड एंड कंटेंट आर लिक्विफाइड टू चैम, लिमिटेड एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एल्कोहल एंड सम लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स, नॉन स्पेसिफिक डिफेंस अगेंस्ट माइक्रोब प्रोवाइडेड बाई हाइपोक्लोराइड एसिड एंड गैस्ट्रिक जूस, वोमिट में बी ए रिस्पॉन्स टू इंजेक्शन ऑफ गैस्ट्रिक इरिटेशन एग्जाम्पल माइक्रोब्स और केमिकल, क्या होगा टेम्परेरी स्टोरेज होता है ठीक है, स्टोरेज के टाइम पे क्या है डाइजेस्ट एंजाइम पेप्सिन को क्या है ये स्टोर करता है, केमिकल डाइजेशन होता है, केमिकल डाइजेशन के अंदर क्या है पेप्सिन कन्वर्ट होता है किसके अंदर प्रोटीन, सॉरी पेप्सिन क्या करता है कन्वर्ट करता है किसको प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में, मैकेनिकल ब्रेकडाउन होता है लिमिटेड एब्जॉर्प्शन होता है वाटर का, नॉन स्पेसिफिक डिफेंस के अंदर क्या है माइक्रोब्स हैं जो क्या है उनसे प्रिवेंट करता है वो कौन करता है हाइड्रोक्लोराइड और गैस्ट्रिक जूस है उनसे, और वोमिटिंग जो है वो क्या है जो गैस्ट्रिक इरिटेशन होती है वही क्या है अपनी वोमिटिंग होती है। नेक्स्ट टॉपिक जो है अपना वो क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन, जो नेक्स्ट टॉपिक के बारे में अपन स्टडी करेंगे वो क्या है अपना स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में अपन जो है नेक्स्ट क्लास के अंदर स्टडी करेंगे। थैंक्स टू ऑल।